सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। सो आज हमने किया है लेग्स, उससे पहले हमने किया कार्डियो फॉर 1 आवर, जिसमें हमने कैलोरीज जो बर्न की वो बर्न की 500, आप देख सकते हैं। जिसमें 32 मिनट्स के आसपास मैंने किया ट्रेडमिल, और नेक्स्ट 30 मिनट जो मैंने किया वो किया मैंने क्रॉस ट्रेनर, और टोटल जो कैलोरी बर्न हुई वो हुई 500। इसके बाद हमने शुरुआत किया आज लेग्स से। लेग्स के अंदर सबसे पहले हमने किया बॉडी वेटेड स्क्वाट्स, जिसके अंदर हमने किया 25 रैप्स का 4 सेट्स। उसके बाद हम मूव करते हैं लेग एक्सटेंशन पे। लेग एक्सटेंशन में भी आपको 18 रैप्स करना है, 4 सेट्स करना है। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर स्लो लेके जाना है और बहुत बैलेंस तरीके से आपको इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमने किया लेग प्रेस मशीन, जिसमें हमने 12-14 रैप्स किया, और इसके अंदर हमने किया 4 सेट्स। तो जो मेरा पहला सेट था वो था करीबन 180 किलो से, दूसरा जो था वो था 200 से, थर्ड जो था वो था 240 से, और फोर्थ भी मैंने उसी से ही कंप्लीट किया। ये रहा हमारा वर्कआउट जिसे कहते हैं लेग प्रेस, और ये बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हमारा 240 किलोज है और 12 रैप्स इसमें हमने परफॉर्म किया। ये आप वर्कआउट जरूर ऐड करें, और आप देखिए कि नी को आपको 90 डिग्रीज तक बेंड जरूर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव होते हैं, और इसे बोलते हैं डंबल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसमें भी आपको 4 सेट्स करना है, जिसमें आपको 12 रैप्स ईच सेट में करना है। ऊपर जाएंगे तो आपको अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका ध्यान रखना है आपको। स्पाइन को आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन में नहीं रखना है, बहुत पीछे लेके नहीं जाना है, आपको फोकस करना है कि आपका ग्लूट जो है वो स्क्वीज हो। ये आखिरी सेट हैवी वेट से किया मैंने, 45 45 ईच साइड। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसे बोलते हैं वेटेड वॉकिंग लंज। इसमें आपको 15 से 18 रैप्स करना है, और ये वेटेड होना चाहिए, और इसमें भी आपको जो परफॉर्म करना है वो 4 सेट्स ही परफॉर्म करना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप नीचे जाएंगे तो आपको अपने नी को टच करना है फ्लोर पे, पीछे वाला जो आपका नी होगा वो फ्लोर पे टच ज़रूर होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है स्पाइन आपका स्लाइटली लीन फॉरवर्ड रहेगा, सो दैट आपका लोअर बैक एक्टिवेट ना हो। तो आपको कंप्लीट करना है इसका भी 4 सेट्स। वेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, शुरुआती टाइम में आप इसको विदाउट वेट भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज कि आप जो है वेटेड इसे ज़रूर करें। मज़ा आ गया 4 सेट करके, बहुत अच्छा अमेजिंग पंप था, ग्लूट्स एंड हिप फ्लेक्सर मेरा बहुत अच्छे से एक्टिवेट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारा बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, जिसमें आपको ईच साइड 10-12 रैप्स करना है विद 4 सेट्स। इसमें मैंने फर्स्ट सेट जो किया वो मैंने 15 kg, 20 kg, 22 kg एंड 25 kg, ये रहा था मेरा वेट, और रैप्स आपको 10-12 ही कंप्लीट करने हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसे बोलते हैं एबडक्शन मशीन, जिसमें हमने 18 रैप किया, 4 सेट्स किया। वेट आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं, या आपके ग्लूटियस मीडियस मसल के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है आपके हिप का। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है एडक्शन, जो कि आपका एडक्टर मसल होता है उसके लिए है। इसमें भी आपको 18 रैप्स करना है, एंड जो इसमें सेट्स होने वाले हैं वो सेट्स होने वाले हैं 4। आप इस जर्नी में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइज़।